गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम मोशन इन ए प्लेन का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज एक्यूशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इससे पहले हमने मोशन इन ए प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया था, उसमें हमने तीन डेरिवेशंस की थी, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्यूशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक्यूशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इसमें भी आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान के चल रहे हैं, लेट यहाँ पे आपने किसी बाल को थ्रो किया, ठीक है। ये बाल हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू से जा रही है, यहाँ से ये एंगल बना रही है लेट थीटा। अब ये इस डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगी और इस डायरेक्शन में भी, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, इस साइड कंपोनेंट क्या आएगा, यू कोस ऑफ थीटा, इस साइड हमारा कंपोनेंट क्या आएगा परपेंडिकुलर में, यू साइन ऑफ थीटा। अब लेट इस डायरेक्शन में इसने यहाँ पे यह बॉल पहुंची, नॉट मैक्सिमम हाइट, लेट यहाँ पे किसी पॉइंट पे जब हमारी बॉल पहुंची, इस डिस्टेंस इस तरफ उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया, एक्स एक्सिस के अलोंग, इस तरफ उसने वाई डिस्टेंस कवर किया, तो हमारे पास जो यहाँ पे पॉइंट आएगा इट कम्स आउट टू बी एक्स वाई। अब अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्कशन करें, तो एक्स एक्सिस में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया एस एक्स, दैट इज यू कॉस ऑफ थीटा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया इधर, दैट इज यू कॉस ऑफ थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। या फिर इसको आप ले सकते हो यू एक्स कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर हम y डायरेक्शन में करें, यहाँ पे आएगा यू वाई, वाई डायरेक्शन क्या लॉन्ग है, तो यहाँ पे आ जाएगा यू वाई साइन ऑफ थीटा। अब इस साइड जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, चाहे बॉल जहाँ पे पहुँची चाहे यहाँ पे, हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। और इस केस में जो एक्सेलरेशन होगी वो किसके क्या आएगी आपके पास, ड्यू टू ग्रेविटी बॉल नीचे आने की कोशिश करेगी, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज होगी, पहले वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जीरो, फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डाउनवर्ड होने के कारण वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव जी। लेट दोनों में टाइम हमें कितना लग रहा है, टी। तो हमारे पास इक्वेशन अगर हम एक्स एक्सिस के लिए लगाएं, दैट इज एस इज इक्वल टू ut plus half a t square, s क्या है, displacement along x axis is equal to u, u का यो component है, इस along क्या आ रहा है हमारे पास, u cos of theta into timing कितनी लग रही है, t plus acceleration कितनी है, velocity constant, so acceleration is zero, तो x upon u cos theta is equal to क्या आ गया हमारे पास, जहाँ से टी आ गया। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस के अलोंग इसी इक्वेशन को अप्लाई करें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, वाई इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में है, तो यू की वैल्यू कितनी है इस केस में, यू वाई, या फिर यू ले लो अकेला, यू साइन ऑफ थीटा, टी कितना है हमारे पास, एक्स अपॉन u cos of theta plus half, acceleration कितनी है इस केस में, माइनस जी, t की जगह पे अगेन वैल्यू पुट करोगे x square upon u square cos square theta, which is equal to u से u cancel, x tan sin upon cos tan theta minus half g x square upon u square cos square theta along y axis, this is the equation of trajectory। लेट हम इस इक्वेशन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, और इसी से हम एक इक्वेशन और ड्राइव कर रहे हैं। अब दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दैट इज y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब दूसरी इक्वेशन इसकी क्या आती है हमारे पास, y इज इक्वल टू होती है आपके पास x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r।
और इसका न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। अब इसको पहले तो डराइव करेंगे हम, हमें एक्स टेन थीटा कॉमन चाहिए, तो इसमें आप क्या करोगे, साइन अपॉन कॉस ले लोगे फ्रॉम दिस, फ्रॉम वन आप क्या करोगे, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन इसको डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन से इसको डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, साइन थीटा अपॉन में भी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन ऑफ थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, टेन थीटा अपॉन यू स्क्वायर, यहाँ पे एक कोस बचेगा कोस थीटा साइन ऑफ थीटा, बट टू कोस थीटा साइन थीटा ये सारा तो हमारे पास क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन यू स्क्वायर टू साइन थीटा कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ टू थीटा, साइन ऑफ टू थीटा विच इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन ले लें वन माइनस, यहाँ पे क्या बचा एक्स अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन टू थीटा, ये जी हम डिवाइड में ले गए, तो इसको क्या लिखोगे, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन, बट ये किसका फार्मूला था हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज का, तो ये इक्वेशन ड्राइव होगी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर। अब अगर आपके पास न्यूमेरिकल है, लेट आपके पास क्या है कि यहाँ पे किसी बॉल को आपने थ्रो किया कितने एंगल पे, लेट थीटा एंगल पे, आपको ये थीटा फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे फोर और फोर आपको दे रखा है, कि उसने x एक्सिस में भी फोर डिस्टेंस कवर किया, y एक्सिस में भी फोर डिस्टेंस कवर किया, और ये जो टोटल है आपके पास, लेट यहाँ तक ये फोर है, और उसके बाद ये डिस्टेंस आपको दे रखा है लेट दिस इज योर 16, ठीक है, तो आपको बोला है फाइंड थीटा, तो आप इसको इक्वेशन को यूज करोगे, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, y एक्सिस क्या लॉन्ग डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 4, x एक्सिस क्या लॉन्ग डिस्टेंस 4, tan ऑफ थीटा 1 माइनस x कितने अगेन 4, रेंज कितनी होगी 16 प्लस 4, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज 20, तो 4 5 जा 20, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ से 1 इज इक्वल टू tan थीटा 5 माइनस, ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 5 दैट इज 4 अपॉन 5, और दिस इंप्लाइज 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा कम्स आउट टू बी tan इनवर्स 5 अपॉन 4, इस तरह से इस वैल्यू को यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। थैंक यू।